यदि आप भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एंड तक इस खबर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं ये उन पेरेंट्स के लिए है जो ट्वेल्थ के बाद अपने बच्चे को कैरियर को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं कि उनका बच्चा कहाँ कोचिंग के लिए जाएगा, किस तरह की कोचिंग लेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा। इन सब सवालों के जवाब के लिए आज की खबर आप लोगों के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में यूँ तो काफ़ी ऐसे कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं जो बच्चों के भविष्य के लिए तरह तरह की योजनाएँ आपके लिए लाते हैं, लेकिन सभी माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा मेडिकल लाइन में जाए, नीट क्लियर करे, या किसी का सपना होता है कि वो इंजीनियर बने, देश की सेवा करे, जेईई मेंस क्लियर करे, लेकिन उसके लिए उसे अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने के लिए भी उनको कंपटीशन का सहारा लेना पड़ता है और ये स्टार्टिंग वो पहले से नहीं कर पाते हैं, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि ट्वेल्थ के बाद वो एक साल तक के लिए वो ड्रॉप भी कर देते हैं, बावजूद इसके उनके हाथ निराशा लगती है। लेकिन अब उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुग्राम के एक ऐसे स्कूल ने पहली बार ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को पहले से ही इस तरह का माहौल दिया जाए कि आने वाले समय में उनका कैरियर काफ़ी ब्राइट हो सके। जी हाँ, यह इनिशिएटिव लिया है गुरुग्राम के सेक्टर 92 स्थित जीडी इंटरनेशनल स्कूल ने, जिन्होंने आकाश प्लस बायजूज के साथ आज एक कोलेब्रेशन करके वो स्टार्टिंग की है जो अभी तक कोई भी स्कूल नहीं कर पाया था। जीडी इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन जेपी यादव ने पहली बार एक जो इनिशिएटिव लिया है आकाश प्लस बायजूज के साथ, वो कोलेब्रेशन किया है कि अब आकाश प्लस बायजूज, जो कि देश की नामी गिरामी वो कोचिंग सेंटर्स की टीमें हैं जो देश में अपना अलग ही इम्पोर्टेंस रखती हैं, बच्चों के कैरियर में रैंकिंग में हमेशा ही अव्वल रही हैं, उन टीम को अपने स्कूल के साथ अटैच कर लिया है और वो टीमें बाकायदा 8th क्लास से जो यहाँ बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको यहाँ पर आकर उनको कोचिंग साथ साथ दिया करेंगी। इससे पहले क्या होता था कि बच्चे 12th के बाद या तो ड्रॉप करते थे या इन कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन पाने के लिए तरह तरह के एग्जाम्स देते थे, फिर भी वो निराश होते थे, लेकिन अब इन बच्चों को 8th क्लास से ही साथ साथ कोचिंग दी जाएगी ताकि 12th तक वो अपना माइंड मेकअप कर सकें उन्हें किस फील्ड में जाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज इसकी शुरुआत सेक्टर 92 स्थित जीडी इंटरनेशनल स्कूल से कर दी गई है, जहां आकाश की एक पूरी क्वालिफाइड टीम जब यहां पहुंची तो उनका बेहद ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जहां उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया, उन्हें तिलक लगाकर और उन्हें बुके देकर स्वागत किया, तो वहीं छोटे छोटे बच्चों ने ड्रम बजाकर उनका वेलकम किया, क्योंकि वो चाहते थे आने वाले भविष्य जो उन बच्चों का है वो इन्हीं के हाथों में है। उसके बाद यहाँ के क्लासरूम का विजिट किया तो यहाँ के जो क्लासरूम्स हैं वो भी काफ़ी मॉडर्न तरीके से हैं, जहाँ पर पूरे मॉडर्न तरीके से उन्हें बाकायदा पढ़ाई की जाती है। बच्चों के साथ साथ एक हॉल में उपस्थित बच्चों के पेरेंट्स भी इतनी संख्या में आए हुए थे कि उन्हें बारीकी से हर चीज़ की नॉलेज दी गई कि आने वाले समय में जो ये टीम है, जो ये स्कूल है, किस तरह से उनके बच्चों को अलग अलग तरीके से एजुकेशन देगा, उन्हें इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा कि 12th के बाद वो देश के भविष्य में किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं, वो जेईई मेंस या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो उनको 8th क्लास के बाद से ही माइंड मेकअप किया जाएगा। खास बात यह है कि इसके बाद उन सभी बच्चों के पेरेंट्स को 1-to-1 भी किया गया और उन्हें समझाया गया। This program is exclusively called Akash
सिंक्रो प्रोग्राम। सिंक्रो का मतलब होता है स्कूल और कॉम्पिटेटिव दोनों का एक सिंक्रोनाइजेशन। जीडी इंटरनेशनल ग्रुप के चेयरमैन जेपी यादव की माने तो ये कोलैबोरेशन कोई कमर्शियल कोलैबोरेशन नहीं है, बल्कि क्षेत्र में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए ये एक बेहतर प्रयास किया है, क्योंकि उनका सपना था कि इस एरिया के उनके स्कूल के बच्चे आगे जाकर उनका नाम रोशन कर सकें। देखिए, लंबे समय से यहाँ के सराउंडिंग एरियाज के पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का समय समय पर हमारे पास रिक्वेस्ट आती थी कि स्कूल टाइम में कोचिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, तो जो बच्चे बाहर जाकर स्कूल टाइम के बाद एग्जॉस्ट होते हैं, ओवरक्राउड ट्रैफिक की वजह से जा नहीं पाते हैं, पेरेंट्स का एक सिक्योरिटी पर्पज पे प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन सबके कंसेंट को लेकर स्कूल काफ़ी समय से प्रयासरत था एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए। उसमें आकाश हमारे नॉलेज में अपने आप में एक बहुत बेस्ट क्वालिटी और ब्रांड है एजुकेशन सिस्टम को प्रोवाइड करने में। उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है और कोलैबोरेशन बिजनेस पर्पज से नहीं, एजुकेशन को रूट लेवल पर और हायर लेवल पर ले जाने के लिए किया है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल सुनील यादव ने भी बताया कि वो काफ़ी समय से आकाश के साथ जुड़े रहे हैं और उनका तब से सपना था कि हर बच्चा आकाश के साथ जुड़कर आगे आने वाले समय में देश को रिप्रेजेंट करे, बाहर जाकर उनका नाम रोशन करे। इसीलिए उन्होंने आज आकाश प्लस बायजूज के साथ ये कोलैबोरेशन किया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस एजुकेशन फील्ड में आया, जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया, उसके बाद मैंने एजुकेशन में एंट्री ली और टीचिंग स्टार्ट की, बहुत छोटे लेवल से चीज़ें स्टार्ट की और फिर मैं आकाश जैसे ब्रांड में भी काम करके आया साथ में। तो एक सपना था मेरा कि एक बार आकाश में ज़रूर काम करना है, चाहे वो जितने दिन के भी लिए हो, लेकिन आकाश में ज़रूर एक बार जाना है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे आसपास के लोकल एरिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आकाश तक नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी भी कारण से, पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन हो या पेरेंट्स के सिक्योरिटी पॉइंट हो या डिस्टेंस हो, कुछ भी वजह से हमने एक डिसीज़न लिया बैठ करके कि हम लोग वो सारी फैसिलिटी क्या हम लोग अपनी ब्रांच में नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं। सर लोगों से मीटिंग हुई, कई बार मीटिंग्स हुई, कुछ पॉइंट्स सर के रखे गए, कुछ हमने रखे पॉइंट्स, वो सब पॉइंट जब एग्री हुए तो हमने डिसाइड किया कि हम 8th to 12th क्लास से कोचिंग स्टार्ट करेंगे और 12th क्लास तक ये कोचिंग का कंप्लीट स्टडी पैकेज, कंप्लीट पैकेज स्कूल की एक छत के अंडर आपको सब कुछ मिलेगा। आकाश की टॉप क्लास जो आकाश जनकपुरी में साउथ एक्स में फैकल्टीज काम करती हैं, जो आकाश के सेंटर्स में जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसी छत के नीचे मिलने वाली हैं। आकाश प्लस बायजूज के NCR हेड कुलदीप सर की माने तो आने वाले समय में बच्चों को जो कोचिंग दी जाएगी उसकी शुरुआत इस स्कूल से होने जा रही है। उन बच्चों को अपने पेरेंट्स से दूर नहीं होना पड़ेगा, उन बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वो अपने पेरेंट्स की निगरानी में रहकर वो गोल अचीव कर सकेंगे जिसके लिए वो पिछले काफ़ी समय से प्रयासरत थे और उनके पेरेंट्स भी यही चाहते थे। इतने टाइम से हम जो हमारी मतलब कि 300 से ऊपर जो ब्रांचेज हैं उसका एक ही विज़न है कि हम वहाँ तक जा पाएँ जो बच्चा हम तक नहीं आ सकता है। तो जो यहाँ पे क्या GD ने जो इनिशिएटिव लिया है, जो यादव सर ने इनिशिएटिव लिया है, उसका ये मेन इसका एजेंडा ही ये है, पर्पज़ ये है कि वो बच्चा जो हम तक नहीं आ सकता, चाहे वो गर्ल चाइल्ड है, चाहे उसका ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, चाहे उसका क्या फाइनेंस इशू है, तो वो फैसिलिटी हम उनको स्कूल में दे पाएँ। और स्कूल में आने में अपने आप में एक जो टाइम मैनेजमेंट है स्टूडेंट को फ़ायदा होता है कि उसको स्कूल के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो उसका मतलब कोचिंग के लिए आना जाना है, वो जो टाइम अगर उसका सेव होता है और वही फैसिलिटी जो आकाश की ब्रांचेज पे उसको कहीं मिलती हैं, आकाश का जो अपना एक एकेडमिक एक्सलेंस है, वो सारी चीज़ें हम उनको स्कूल में ही क्या देंगे। और जो आकाश का एज इट इज़ पैटर्न ऑल ओवर इंडिया मतलब के चलता रहा है, वही कॉम्पिटिशन एनवायरमेंट उनको अपने स्कूल में होगा। तो आने वाले टाइम में हम ये क्या मान के चल रहे हैं जो कि मतलब के JP सर ने कहा, इसमें कोई क्या कमर्शियल कोई व्यू नहीं है या इसमें कोई
इकोनॉमिकली उसमें हम नहीं सोच रहे हैं, ये केवल एक ही एजेंडा है कि हम वहाँ तक जा पाएँ जहाँ तक स्टूडेंट हम तक नहीं आ सकता है। और सर ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि जो सराउंडिंग है, आसपास के जो गांव हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो आ सकते हैं जो हम तक नहीं आ सकते, तो यहाँ पे उनको एक ही मतलब के जगह पे स्कूल के साथ जो उनका एनसीईआरटी का सिलेबस है, कॉम्पिटिशन है, चाहे ओलम्पियाड्स हैं, चाहे आपका जेई है, चाहे आपका नीट है, उसके लिए वो जो एक क्वालिटी आकाश की एकेडमिक की है वो उनको यहाँ मिलेगी, चाहे वो स्टडी पैकेज है, चाहे आई ट्यूटर है, हर फैसिलिटी जो आकाश की है वो यहाँ पे हम अवेलेबल उसी पैटर्न पे करवाएंगे। आकाश से आए डिप्टी डायरेक्टर की माने तो जब ट्वेल्थ के बाद कोई भी बच्चा बाहर कोटा या किसी जयपुर या किसी अन्य शहर में कोचिंग के लिए जाता है तो वो इतना ज़्यादा प्रेशर में होता है कि वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, कई बार उसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। लेकिन जब उन बच्चों को एट्थ क्लास से इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका माइंड मेकअप किया जाएगा, उनमें से चुनाव किया जाएगा कि वो बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है, तो ये आने वाले समय में उस बच्चे के भविष्य के लिए एक बेटर ऑप्शन साबित होगा। बिल्कुल, जो हमारा प्रयास भी है वो इसी चीज़ को ध्यान में रख के किया गया है। जब बच्चा चाहे एट्थ नाइन्थ लेवल पे या एलेवेंथ लेवल पे, जब बच्चा एक अपने घर को छोड़ करके कहीं दूर जाता है तो उसे कई तरह के चैलेंजेज को फेस करना पड़ता है। कई बार उसे ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से या होम सिकनेस की वजह से वहाँ पे उसे हाइजीन नहीं मिल पाता तो बच्चा सडन प्रेशर फील करता है। ये जो हमारा इनिशिएटिव है इसमें हमारी पूरी कोशिश है कि हम बच्चे को डे वन से अंडर द सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, साथ ही साथ जो बच्चे का एक जिस तरह से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हाइजीन कंडीशन में वो मेंटेन रहे, बच्चे को प्रेशर नहीं फील हो, बच्चा अपने पेरेंट्स की नज़रों के सामने हो, तो हम लोगों ने एट्थ क्लासेस से इसको प्लान किया। एट नाइन्थ टेंथ में हम बच्चे की जो सीबीएसई का करिकुलम है वो फॉलो करेंगे, साथ ही साथ एट नाइन्थ टेंथ लेवल पे जो भी कॉम्पिटिशन्स हैं, ओलम्पियाड्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, और हम बच्चे को मोटिवेट भी करते हैं कि देखो इसमें फंडामेंटल तो सीबीएसई बोर्ड का ही है, बस आप थोड़ा सा फोकस हो जाइए, तो बच्चा बिगनिंग से ही थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव फील्ड को लेकर के अलाइन हो जाता है। इस पूरे आयोजन के बाद स्कूल के उन होनहार छात्रों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने स्कूल का नाम रोशन किया है, और बल्कि उन टीचर्स को भी सम्मानित किया गया जो इन बच्चों का कैरियर डे टू डे आगे बढ़ा रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल का ये जो प्रयास है ये वाकई एक सराहनीय प्रयास है, और इस प्रयास से आने वाले समय में ना केवल इस क्षेत्र के बच्चों का तो विकास होगा ही, उनके पेरेंट्स के सपने भी पूरे होंगे, बल्कि ये समझिए कि गुरुग्राम का हर होनहार छात्र अपने उस गोल को अचीव कर सकेगा जिसका वो हमेशा से प्रयास करता आया है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।